Welcome in Microbiology Information. Today we discuss cold chain. It is an important topic for medical, nursing, paramedical and life science courses. Many questions are asking from the topic of cold chain in university examination. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में कोल्ड चेन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन. कोल्ड चेन इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट. यानी कि वैक्सीन जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां से एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट जहां पे पेशेंट को वैक्सीन देना है, इस बीच की दूरी को ही हम लोग कोल्ड चेन कहते हैं, जिसमें हम लोग लो टेम्परेचर एज पर नीड ऑफ द वैक्सीन टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं, इसी को हम लोग कोल्ड चेन कहते हैं. नाउ कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स है डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर एंड आइस पैक्स. ये सब जो हैं आपके कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स हैं जो कि लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं. इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे. तो सबसे पहले जो है आपका WIC है, जिसको कि हम लोग वॉकिंग कोल्ड रूम कहते हैं. दे आर लोकेटेड एट रीजनल लेवल. किसी भी एक रीजन में हम लोग WIC बनाते हैं जहाँ पे हम लोग लार्ज अमाउंट में वैक्सीन को स्टोर करते हैं लंबे समय तक. इसका लो टेम्परेचर होगा और जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वहाँ से हम लोग WIC में ला करके वैक्सीन को स्टोर करते हैं और फिर यहाँ से हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. उसके बाद जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे WIC से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो है आपका डीप फ्रीजर. सप्लाई टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड WIC टू स्टोर वैक्सीन. इसका जो टेम्परेचर होगा -80°C तक होगा डीप फ्रीजर्स का. WIC से वैक्सीन हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रांसपोर्ट करेंगे स्टोर करने के लिए, वहाँ पे डीप फ्रीजर का इस्तेमाल होता है. उसके बाद है आपका स्मॉल डीप फ्रीजर. इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन टू PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर. इन सब जगह पे जो वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करेंगे हम लोग, तो वहाँ इस्तेमाल हम लोग डीप फ्रीजर का करेंगे, स्मॉल साइज का, जिसका टेम्परेचर -20°C होता है. नाउ कोल्ड बॉक्सेस. कोल्ड बॉक्स आर फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स. द वैक्सीन आर केप्ट इन कार्टून और पॉलिथीन बैग्स. यूज टू सप्लाई ऑल पेरिफेरल सेंटर. इसका जो टेम्परेचर होगा 4°C तक होगा, यानी कि आपका जो पेरिफेरल सेंटर है PSC से, वहाँ अगर हमको वैक्सीन भेजना है तो हम लोग कोल्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे. नाउ वैक्सीन कैरियर. 4 फ्रोजन आइस पैक्स आर यूज फॉर लाइनिंग द साइड्स एंड वायल ऑफ वैक्सीन. इट इज़ यूज टू कैरी ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन कैरियर जो होगा उसमें छोटे छोटे आइस पैक्स होंगे चारों, जो कि आप वैक्सीन के किनारे में रखते हैं और उसके बीच में वैक्सीन स्मॉल क्वांटिटी में आप डाल देते हैं, स्टोर करते हैं, और उसको आप छोटे छोटे जो पर्टिकुलर एरियाज़ में अगर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भेजते हैं इस वैक्सीन कैरियर में स्टोर करके. तो इसका इस्तेमाल हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन को कैरी करने के लिए करते हैं. नाउ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन. स्टोरेज ऑफ वैक्सीन के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे जब वैक्सीन को हम लोग स्टोर करेंगे किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो ये सब सारे पॉइंट हम लोग वहाँ पे मेंटेन करेंगे तभी वैक्सीन अच्छे से स्टोर होगा. तो सबसे पहला है कीप द इक्विपमेंट इन कूल रूम एंड एटलीस्ट 10 cm अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट. कीप द इक्विपमेंट लेवल्ड. कीप वैक्सीन नीटली, यानी कि साफ सफाई होनी चाहिए. सुपरवाइज द टेम्परेचर रिकॉर्ड. जहाँ भी आपने वैक्सीन को स्टोर किया है वहाँ पे टेम्परेचर को आपको रिकॉर्ड करना होगा और देखना होगा कि टेम्परेचर वैरी तो नहीं कर रहा है, तो इसको आप मेंटेन करेंगे. नाउ डू नॉट स्टोर एनी अदर ड्रग. यानी कि जहाँ भी आप वैक्सीन रखे हैं वहाँ पे दूसरे ड्रग स्टोर नहीं करेंगे. डू नॉट कीप ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड इन देम.
यानी कि वहाँ पे खाने पीने का सामान आपको स्टोर नहीं करना है। डू नॉट कीप डेट एक्सपायर वैक्सीन, जहाँ भी आपने वैक्सीन जो यूज़ में लेने के लिए स्टोर किए हैं वहाँ पे एक्सपायरी वैक्सीन को आप एक साथ मिक्स करके स्टोर नहीं करेंगे। ये सब सारे क्राइटेरिया हैं फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, इसको आप मेंटेन करेंगे तभी आप जा करके अच्छे वैक्सीन को लंबे समय तक स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस माइक्रोबायोलॉजी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।